सुनहरी कलेवर अंग प्रत्यंग रस से भरा, भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध। आहा, खींच लिया ना अपनी ओर। सोचिए इसका नाम, तब तक हम अपना परिचय दे दें। श्रोताओं, हम हैं स्वयं प्रभा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। तो कुछ सोचा आपने? क्या सोचा आपने? कुछ नाम जहन में आया? चलो कुछ और क्ल्यू देती हूँ। इसका जादू सर चढ़कर ही नहीं, मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कटि के घेरदार घुमावों में घुमाकर ये भ्रमित कर देती है आपकी मति को। एक खाऊं, दो खाऊं या कि सब खा जाऊं? क्यों, अब भी नहीं समझे? दोस्तों, ये हैं जलेबी बाई और इनके जलवे। माशाल्लाह, क्या धमाका करती हैं ये। हमारी एक यशो दीदी हैं, डॉक्टर यशोधरा शर्मा, बहुत बड़ी विदुषी और लेखिका हैं। उन्होंने जलेबी रानी के बारे में मुझे कई सारी बातें बताई। चलिए आज वो बातें हम आपसे साझा कर लेते हैं। आखिर आप हमारे चहेते जो हैं। तो हमने दीदी से पूछा, कहाँ से तशरीफ लाई है ये मिस जलेबी? गांव गांव, नगर नगर, प्रांत प्रांत और तो और गली मोहल्लों तक में डंका बजा दिया है जलेबी बाई ने। इस माधुरी रसीली का आगमन हुआ कहां से? दीदी ने बताया, कुछ रोचक तथ्य मिले हैं मिस जलेबी के बारे में। मध्यकाल में लिखी पुस्तक किताब अल तबीक में जलाबिया नाम की मिठाई का जिक्र है। जलाबिया अरबी शब्द है और जलेबिया फारसी, दोनों ही उन जगहों की प्रसिद्ध मिठाइयां हैं। उनके बनाने की विधि भी भारतीय जलेबी के बनाने की विधि से मिलती जुलती है। तो समझे श्रोताओं, यहां से आई जलेबी बाई। एक बात और, अनेकों कुंडलियों में निबद्ध होने के कारण ही संस्कृत में इसको कुंडलिनी कहा गया है और रससिक्त होने के कारण ही जलवल्ली का नामकरण भी किया गया है। नाम कुछ भी हो, कहीं भी जन्मी हो, हमारे देश की तो रग रग में समा गई है जलेबी। खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहार तो इसके बिना अधूरे ही लगते हैं, मनते ही नहीं। सूर्य देव की सुनहरी किरण के साथ ही इनकी मिठास वातावरण में घुल जाती है। सुगंध की डोर से बंधा हुआ जनमानस पहुंच जाता है खुशी खुशी जलेबी बाई के पास। और आजकल तो विवाह उत्सवों और पार्टी की शान भी बन चुकी है ये जलेबी सुंदरी। और लच्छेदार रबड़ी डालकर तो आहा, इसका स्वाद लिया जाता है। भाई कुछ भी कह लो, हलवाई की दुकान पर पत्ते के दोने में कुर्र से मुंह में रखकर इसकी कुर्राहट का अनुभव ही स्वर्गिक आनंद देता है। अरे जलेबी जी, जो स्वाद और आकर्षण तुम्हारा, वह अन्यत्र कहाँ। अपने रूप माधुर्य के कारण ही तो ये बॉलीवुड की चहेती भी बन गई और थिरक उठी कैटरीना जी। नाम जलेबी बाई गीत पर। वो एक बार हुआ यूं कि नैनीताल की यात्रा के समय यशो दीदी की ट्रेन काठगोदाम स्टेशन पर सुबह सुबह रुकी। प्लेटफॉर्म पर ठेले पर छन 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 सुनहरी घेरदार घाघरा पहने जलेबी बाई नृत्य कर रही थी। कुछ ही क्षणों में यात्रियों ने लूट मचा दी और ठेला खाली। तो ये है इनका जलवा। यशो दीदी ने तो बहुत सारी बातें बताई जलेबी के बारे में, मगर दीदी की बातें सुनते सुनाते हुए मेरे मन में जो फीलिंग्स आई वो बताते हैं आपको। मुख में जलेबी प्रविष्ट होते ही, उसके जिह्वा का स्पर्श करते ही जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। सच कहा ना,
आया ना स्वाद, मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। तो देर किस बात की, तुलवा ये 250 ग्राम जलेबी और अब बोलिए शाने हिंदुस्तान जलेबी बाई की जय। तो दोस्तों खाते रहिए रस भरी गर्मा गर्म जलेबी, करते रहिए उसका गुणगान और सुनते रहिए हमारा चहेता रेडियो हिंदुस्तान।